Assalamualaikum, welcome back to my channel. आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल सांबर रेसिपी। जैसे हम बाहर खाते हैं इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा। तो चलिए अब हम सांबर बनाना स्टार्ट करते हैं। सांबर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम दाल ले लिया है, इसे तुअर दाल भी कहते हैं। दाल को मैंने 2 से 3 बार धोकर इसको पानी में भिगो दिया है। दाल को हम 10 से 15 मिनट तक पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे, इससे ज्यादा हमें इसे नहीं भिगाना चाहिए। 15 मिनट बाद दाल को धोकर इसका पानी निकाल लेंगे और इसको प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। अब इसमें करीबन 2 कप पानी ऐड कर लिया है मैंने। फिर इसमें 1/2 ऑनियन, 1 टमाटो, टर्मरिक पाउडर डालकर इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं। अब कुकर को क्लोज करके 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। 4 से 5 सीटी आ गई है, अब गैस को ऑफ कर देंगे। प्रेशर कुकर को खुद ही ठंडा हो जाने दीजिए, तब तक हम सांबर मसाला रेडी कर लेंगे। इसके लिए हम एक वेजल में 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल के रख लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, मतलब इसे मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं। जब राई अच्छे से क्रैकल होना स्टार्ट हो जाएगी तब हम लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इसको 20 से 30 सेकेंड तक पकाएंगे। अब इसमें हम 2 स्लाइस्ड ऑनियन ऐड कर लेंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। ऑनियन का कलर चेंज होने तक पकाएंगे, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें करी लीव्स ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है 12 से 13 बीन्स, 1 कैरेट, ब्रिंजाल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और 10 से 12 पीसेस ड्रमस्टिक लिया है मैंने। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करके इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। मैं हमेशा वेजिटेबल्स को ऐसे ही डालती हूँ। कुछ लोग वेजिटेबल्स को प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेते हैं, वैसे करने से वेजिटेबल्स ओवरकुक हो जाते हैं और सारे वेजिटेबल्स टूट जाते हैं। आप एक बार इस तरह से सांबर बनाकर देखिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टीस्पून सांबर पाउडर। सांबर पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ टोमेटो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें इमली का पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए टोमेटो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। वेजिटेबल्स को 60-70% ही कुक करना चाहिए। अब इसमें 1 से 1.5 कप पानी ऐड करके इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर प्लेट क्लोज करके इसको 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारी दाल गल चुकी है। इसमें आप हैंड ब्लेंडर बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, सिर्फ स्पून की मदद से इस तरह प्रेस कर दीजिए। दाल की कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारे वेजिटेबल्स 70-80% कुक हो चुके हैं। अब इसमें दाल को मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे। सांबर में पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे। सांबर को आप जितना चाहे उतना पतला कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला होगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें पिसा हुआ नारियल 1 स्पून ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। और थोड़ी सी धनिया पत्ती भी कट करके ऐड कर लेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद सांबर को 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर दम होने के लिए छोड़ देंगे। हमने वेजिटेबल्स को 60-70% कुक किया था, अब बाकी की जो कसर है वो अब पूरी हो जाएगी। हम दम पे छोड़ेंगे तब अच्छी तरह से सारे वेजिटेबल्स गल चुके होंगे। देखिए हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल सांबर रेडी हो चुका है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, यकीन मानिए एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और इसका कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, परफेक्ट कलर आया है। रेस्टोरेंट स्टाइल सांबर आप भी बनाइए और इडली और डोसे के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।